अगर आपके साथ शारीरिक परेशानी, मानसिक उत्पीड़न और पैसों की तंगी चल रही है और आप इन चीज़ों से निजात पाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें तुरंत ही अपने घर से निकाल फेंकनी चाहिए। अक्सर लोग इस बात से परेशान दिखते हैं कि मैं पैसा नहीं बचा पा रहा, मेरी बचत नहीं हो पाती या मेरी सैलरी कभी नहीं बढ़ती। इसके लिए कई बार लोग कुछ पूजा पाठ तक कराने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पैसों की बचत और तंगी से आपको कोई पूजा पाठ नहीं बल्कि आपके ही घर में मौजूद कुछ चीज़ों को हटाने से ख़त्म हो जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि लगभग लोगों के घर में पाई जाती हैं। अगर आप इन चीज़ों को अपने घर से हटा देंगे तो आपके साथ जो भी शारीरिक परेशानी, मानसिक उत्पीड़न और पैसों की तंगी है, उन सभी से आपको निजात मिल जाएगी। इन चीज़ों का घर में होना अशुभ संकेत है और इससे आपकी कभी तरक्की नहीं होगी। कबूतर का घोंसला, शांति का दूत कहा जाने वाला पक्षी। कबूतर वैसे तो काफ़ी सीधा होता है, लेकिन इसका घोंसला अगर घर में हो तो उसे हटा दें, क्योंकि इसका घर आपके घर में होने पर वास्तु विज्ञान के अनुसार ये अशुभ होता है। मधुमक्खी का छत्ता, अगर आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता बना है तो आप उसे तुरंत हटा दें। इनका घर में होना अशुभ संकेत है और इसकी वजह से कई बार तरक्की रुकने के साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है। अगर आपके घर में चमगादड़ उड़ते हुए आते हैं या कहीं बैठे रहते हैं तो वो भी आपकी तरक्की में बाधा है। चमगादड़ का घर आना सोनेपन की निशानी है और इसका संकेत होता है कि घर में रहने वाले लोग परिवार को छोड़ के जा सकते हैं। इससे कभी आपके परिवार में सुख शांति और धन नहीं आएगा। शाम को 6 बजे के बाद कभी भी आप अपने घर में झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने घर में आई लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं और उसे भगा रहे हैं। कहते हैं कि शाम के वक्त घर में लक्ष्मी का वास होता है। हमेशा कोशिश करें घर में कभी भी मकड़ी का जाल ना लगे। ऐसा होने पर घर में परेशानियां बनी रहती हैं और लक्ष्मी कभी नहीं आती। आई होप यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।